हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ न्यूमेरिकल। यहां पर क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हमें यहां पर दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, हमें उसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई। सो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम इस न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दिए गए हैं उनको कह दो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 इक्वेशन नंबर 1, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट आइदर ऑफ द टू इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से वाई इन टर्म्स ऑफ द अदर मीन्स एक्स। मीन्स यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, उन दोनों में से हमें कोई भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को और उसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल्स से वाई, उसमें से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ द अदर मीन्स एक्स। सो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सो उसमें से मैं वाई की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। सो 0.3y एज इट इज, 0.2x इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस। सो 1.3 माइनस 0.2x। सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x। यहाँ पर 0.3 मल्टीप्लाई में थे, इक्वल टू के इस साइड आएंगे तो डिवाइड। सो डिवाइड 0.3। सो हमें y की वैल्यू क्या मिली, y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाई 0.3, इक्वेशन नंबर 3। सो बेसिकली हमने इस स्टेप में क्या किया, पहले दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया इक्वेशन नंबर 1, फिर उसमें से हमें कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं y की। सो 0.3y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x। सो y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाई 0.3, इक्वेशन नंबर 3। स्टेप नंबर 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y ऑब्टेन इन अबोव स्टेप इन द इक्वेशन नॉट सिलेक्ट इन अबोव स्टेप। मीन्स यहाँ पर हमें जो y की वैल्यू मिली हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, इन द इक्वेशन नॉट सिलेक्ट इन अबोव स्टेप। मीन्स यहाँ पर हमने कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट किया था, इक्वेशन नंबर 1। सो हमें इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सो हमें इस इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, 0.4x प्लस 0.5, y की वैल्यू हमें क्या मिली 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू 2.3। सो 0.3 दैट इज एलसीएम। सो 0.4 इंटू 0.3 दैट इज 0.12x प्लस ब्रैकेट को ओपन करूं, सो 0.5 इंटू 1.3 सो 0.65 माइनस 0.5 इंटू 0.2x दैट इज 0.1x इज इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई 0.3 सो इज इक्वल टू 0.69। सो 0.12x माइनस 0.1x दैट इज 0.02x इज इक्वल टू 0.65 इक्वल टू के इस साइड आएगा सो माइनस, सो माइनस 0.65। सो 0.02x इज इक्वल टू 0.04। सो x इज इक्वल टू 0.04 डिवाइडेड बाय 0.02। सो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, x इज इक्वल टू 2। स्टेप नंबर 3, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर हमें x की कितनी वैल्यू मिली थी, x इज इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आइदर 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है इक्वेशन नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। सो y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 इंटू x डिवाइडेड बाई 0.3।
सो वाई इज इक्वल टू एक्स की कितनी वैल्यू मिली थी, टू. सो वाई इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 इंटू टू डिवाइडेड बाई 0.3. सो वाई इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 0.3. सो 1.3 माइनस 0.4 दैट इज 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3. सो इज इक्वल टू 3. सो हमें वाई की कितनी वैल्यू मिली, वाई इज इक्वल टू 3. सो इस तरह से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अब हम सॉल्यूशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं. वेरिफिकेशन कैसे करना है, हमें जो भी x एंड y की वैल्यू मिली, यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2, एंड y की वैल्यू कितनी मिली, 3, उसको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 0.2x प्लस 0.3y. सो 0.2 x की जगह पर 2 प्लस 0.3 y की जगह पर 3. सो 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.4 प्लस 0.3 इंटू 3 दैट इज 0.9. सो इज इक्वल टू 1.3. सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3. सो हमारा सॉल्यूशन राइट है. सिमिलरली हम दूसरे इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं, 0.4x प्लस 0.5y. सो 0.4 x की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2 प्लस 0.5 y की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 3. सो 0.4 इंटू 2 दैट इज 0.8 प्लस 0.5 इंटू 3 दैट इज 1.5. सो इज इक्वल टू 2.3. सो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. सो हमारा सॉल्यूशन राइट है. सो इस तरह से हम सॉल्यूशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं. थैंक यू.